ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। पैगंबर मोहम्मद ने 10,000 सैनिकों की फौज के साथ 630 ईस्वी में मक्का पर फतेह हासिल की। उसने अपने फौजी सरदारों को सिर्फ उन्हीं लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया जो कि उनसे लड़ते हैं। मगर खुफिया तौर से मुनाफिक पैगंबर ने 10 मक्का वासियों की फहरिस्त दी थी जिनको की कत्ल किया जाना था। इन 10 लोगों को ढूंढो और कत्ल कर दो। जी रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने साद इब्न अबी सार नाम का एक जवान शख्स भी उन 10 लोगों में से एक था। ओ, वो यही है, ये जरूर मेरी ही फिराक में है। वो इब्ने सार को क्यों मारना चाहता था, इसका जवाब जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। कई साल पहले इब्ने सार कुरैश कबीले के एक अमीर परिवार जो कि कबीले का हुक्मरान था उसका एक जवान शख्स था। वो और उस्मान इब्ने अफान जो कि बाद में तीसरा खलीफा बना आपस में एक ही माँ के दूध पिए हुए सोतेले भाई थे। उसका मानना था कि मोहम्मद एक असली पैगंबर था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। उसने मुसलमान बनने का फैसला लिया और मदीना में हिजरत करने के लिए मक्का को छोड़ दिया। अब मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अपने पैगंबर के साथ रहना चाहता हूँ। पैगंबर मोहम्मद ने उसे अपने लेखक के तौर पर नियुक्त कर दिया क्योंकि इब्ने सार एक पढ़ा लिखा शख्स था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों के बारे में जानने के बाद वो इम्प्रेस नहीं हुआ। मेरा हुक्म बजा लाना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुरान सूरा अल इमरान आयत 132। अल्लाह और रसूल की फरमानबरदारी करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्या ये हकीकत में सच है? एक दिन पैगंबर मोहम्मद ने उसे कुरान की एक आयत लिखने के लिए कहा। लिखो कुरान सूरा अल मोमिनून आयत 14। फिर हमने इस पानी की बूंद को जमा हुआ खून बना दिया, फिर जमे हुए खून को गोश्त की बोटी बना दिया, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां बना दिया, फिर हमने इन हड्डियों को गोश्त पहनाया, फिर उसे एक दूसरी सूरत बना दिया। तब पैगंबर मोहम्मद ने बोलना बंद कर दिया। ऐसा लगता है जैसे कि अल्लाह ने अपना जुमला पूरा कर दिया हो। लेकिन तभी इब्ने सार ने कहना शुरू किया। बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। लिखो इसे भी लिख डालो, ये एकदम इसी तरह मुझ पर नाजिल हुई। वक्त वक्त पर इब्ने सार छोटे मोटे बदलाव का मशवरा देता रहा और पैगंबर मोहम्मद भी उसके मशवरों को मान लेते। आखिरकार इब्ने सार को महसूस हुआ कि यदि आयतें असल में खुदा से आई होती तो एक अदने से लेखक के मशवरे से उसमें कोई तब्दीली कैसे की जा सकती है। मुझे पूरी तरह से इत्मीनान हो गया है कि मोहम्मद असल में कोई पैगंबर नहीं है, वो अपने दिमाग में ही कुरान की आयतें बनाता है। इसके बाद इब्ने सार ने मोहम्मद को मदीना में छोड़कर मक्का की राह पकड़ी। यदि मोहम्मद एक पैगंबर हो सकता है तो मैं भी अल्लाह का पैगंबर हो सकता हूँ। वाह। मक्का में उसने कुरैश कबीले के लोगों को वो सब कुछ बता दिया जो कि वो मोहम्मद के बारे में जानता था। मैं मोहम्मद को जैसे चाहे घुमा देता था, अगर वो कहता सबसे अकलमंद तो मैं कहता सब कुछ जानने वाला, वो मेरी हर बात से मुतफिक होता और उसे कुरान में लिखने के लिए कहता, बेशक ये सही बात है। तो इस तरह से कुरान को लिखा गया। जब पैगंबर मोहम्मद ने इस बारे में सुना तो वो आग बबूला हो उठा।
कुरान सूरा अल अनाम आयत 93, वर इससे बढ़कर जालिम कौन? जो अल्लाह पर झूठ बांधे या कहे मेरी तरफ वही की गई, हालांकि उसकी तरफ कोई वही नहीं भेजी गई, और जो कहे मैं भी अभी ऐसा कलाम उतार दूंगा जैसा अल्लाह ने उतारा है। और अगर तुम देखो जब जालिम मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते हाथ फैलाते हुए कहते हैं कि अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, उसके बदले में जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और इसकी आयतों से मगरूर रहते थे। फिर से वापस मक्का की फतह पर। अब्दुल उज्जा इब्ने खत्ताल उन 10 लोगों में से था जिन्हें मोहम्मद कत्ल करवाना चाहता था। पहले वे इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था और मोहम्मद ने उसका नाम बदलकर अब्दुल्ला यानी अल्लाह का गुलाम रख दिया। जब उसने इस्लाम छोड़ा तो उसने वापस अपना नाम बदलकर अब्दुल उज्जा रख लिया यानी उज्जा का गुलाम, जो कि कुरैश कबीले की देवी थी। वो रहा वो इब्ने खत्ताल है ना, आओ उसे कत्ल कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं गया। आप जब मुस्लिम आर्मी मक्का में घुसी तो अब्दुल उज्जा इब्ने खत्ताल को मालूम था कि बेशक अब मोहम्मद उसे कत्ल करवा देगा। वो पनाह की खातिर काबा की ओर भागा। अल्लाह का पैगंबर होने की वजह से मोहम्मद अल्लाह के घर में खून खराबा नहीं करेगा। इब्ने खत्ताल ने काबा का पर्दा कसकर पकड़ा हुआ था। मुसलमानों को उसको कत्ल करने में हिचक हो रही थी। अरे हम इस मुकद्दस जगह में उसको नहीं मार सकते। चलो रसूलल्लाह से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। और रसूलल्लाह, इब्ने खत्ताल ने अलकाबा का पर्दा कसकर पकड़ा हुआ है, उसे वहीं कत्ल कर दो। काबा का इस्तेमाल कभी भी एक बागी की हिफाजत के लिए नहीं किया गया है। इसके बाद मोमिन फौजियों ने उसको मौत के घाट उतार दिया। सीरा अल हल्बिया जिल्द 3 पेज 91। मुसलमानों की टोली ने इब्ने खत्ताल का कत्ल कर दिया। वे थे 7 इब्ने हरीस, अबू बरजा, अल जुबैर, 7 इब्ने जुएब और जैद इब्ने जैद। इन सब ने मिलकर इब्ने खत्ताल को कत्ल कर दिया। इब्ने साद तबकात अल कबीर जिल्द 2 पेज 174 में फरमाता है, हकीकत में अल्लाह के रसूल ने फतेह के दिन अपने पैरोकारों को इब्ने अबी सार, फरताना इब्ने अल जुबेरा और इब्ने खत्ताल को कत्ल करने का हुक्म दिया। अबू बरजा ने आकर इब्ने खत्ताल को अल काबा के पर्दे को कसकर पकड़े हुए देखा। अबू बरजा ने उसके पेट को फाड़ कर रख दिया। कुरान में मोहम्मद बार बार दोहराता है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उससे डरता है और अल्लाह भी उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन क्या ये सच है? अल्लाह ने मोहम्मद के अब्बू को उठा लिया जब वो माँ के पेट में ही था। अल्लाह ने उसकी माँ को भी उठा लिया जब वो केवल 5 साल का ही था। अल्लाह ने उसके दादा को भी उठा लिया जब वो 8 साल का था। जिन घटनाओं को आप मेरी सीरीज द मोहम्मद के जरिए भी जान सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह ने उसके बेटों को भी उठा लिया, जिसमें उसका बेटा इब्राहिम भी था, जो कि उसकी गुलाम लौंडी मारिया अल किप्तिया से पैदा हुआ था, वो भी सिर्फ 2 साल की उम्र में। इन सब के बाद उसके बेटे की चाहत ही खत्म हो गई। मुमकिन है इसी वजह से मोहम्मद अल्लाह से नफरत करने लगा हो और अल्लाह की बेहुर्मती करने के लिए उस काबा में खून खराबा करने में कोई हिचक नहीं हुई। इब्ने खत्ताल की 2 गाने वाली लड़कियां फरताना और उसकी सहेली कुरेबा थी, जो कि कई साल पहले मोहम्मद के ऊपर तंजिया गाने गाती थी जब वो मक्का में ही रहता था। इसलिए मोहम्मद ने हुक्म दिया कि उन्हें भी कत्ल किया जाना चाहिए। कुरेबा मारी गई लेकिन फरताना भागने में कामयाब हो गई। ये गुलाम लड़कियां किसी भी तरह से पैगंबर मोहम्मद या इस्लाम के लिए खतरा नहीं थी। वो औरत कहां गई? उन्हें सिर्फ इसलिए मार डालने का हुक्म दिया गया क्योंकि उन्होंने मोहम्मद के बारे में कोई वाहियात गाना गाया था। बाद में अपनी जान बचाने के लिए फरताना ने इस्लाम कबूल कर लिया और पैगंबर मोहम्मद ने उसे माफ कर दिया। मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। फरताना उमर इब्ने अल खत्ताब के राज तक जिंदा रही और उसके बाद किसी ने अल आफ्ता में घोड़ों के पैरों तले रौंदकर उसका भी कत्ल कर दिया। जब इब्ने सार ने इब्ने खत्ताल की मौत के बारे में सुना तो वो बहुत डर गया। वो सो कॉल्ड पैगंबर मुझे यकीनन ही मार डालेगा। इब्ने सार ने अपने सोतेले भाई उस्मान से उसे कहीं छुपा लेने की गुजारिश की। भाई प्लीज, वो मेरा सिर कलम करवाना चाहता है। कुछ समय के लिए यहाँ छिप जाओ।
हालात के सुधरने और शांत होने पर उस्मान इब्न सार को पैगंबर मोहम्मद के पास ले गया और उसे माफ कर देने की गुजारिश की। वह मेरा भाई है या रसूल अल्लाह, प्लीज इस पर कुछ रहम करें। मोहम्मद काफी देर तक खामोश रहा। वो जानता था कि उस्मान इब्न अफ्फान, जो कि उसका दामाद था और उसके सहाबाओं में सबसे वफादार था, यकीनी तौर पर नाराज हो जाएगा अगर उसने इब्न सार को कत्ल करने का हुक्म दिया। ठीक है, मैं इब्न सार को मुआफ करता हूँ। शुक्रिया या रसूल अल्लाह। मैं काफी देर तक चुप रहा ताकि तुम दोनों में से एक उसका सिर कलम कर सके। ओ रसूल अल्लाह, अगर ऐसा था तो आपने मुझे इशारा क्यों नहीं किया? पैगंबर किसी को इशारा कर कत्ल नहीं कराते। इसीलिए हकीकत में पैगंबर मोहम्मद का इब्ने सार को माफ करने का कोई इरादा नहीं था। इसको उलट वो उसको मरवा देना चाहता था, लेकिन उस्मान की मौजूदगी की वजह से हिचक रहा था। ये कितना अजीब है ना, ज्यादातर वो बदला लेना ही चाहता है। भाई, मुझे लगता है कि अब तुम ठीक ठाक हो। मोहम्मद ने कुरान सूरा नंबर 68 आयत नंबर 4 में फरमाया, आप वाकई अजीम फितरत से पैदा हुए हैं। इब्ने खत्ताल और कुरेबा के साथ जो हुआ उसे देखकर हम साफ तौर पर उसकी अजीम फितरत से वाकिफ हो चुके हैं। तबरी के मुताबिक इब्ने सार फिर से मुसलमान हो गया। ये तो साफ है कि उसने फरताना की ही तरह अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। यो इब्न सारहा, मैंने सुना है कि तुमने शहादा फिर से पढ़ लिया। जी हाँ, अपना सिर कलम होने से बचाने के लिए। क्या तुमने भी यही किया है? हाँ, मैंने भी यही किया है। तुम तो जानते ही हो कि मैं एक गायिका और नर्तकी हूँ, मगर मैंने सुना है कि मुहम्मद ने फरमाया है कि नाच गाना हराम है। ये सब हलाल थे, अगर उसको इसका पता न चलता तो